डोमेन रेसर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस को यूज करके एक पब्लिक स्पीकर पर्सन के लिए वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं और इस वेबसाइट को क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी इस वेबसाइट को बहुत ही इजिली क्रिएट कर लोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इस वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अगर आपके पास करंटली डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान्स को सिलेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट को क्रिएट करने के टाइम पे कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे सर्च इंजन वेबसाइट पे जा करके अपने क्वेरी को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उन्हीं में से एक है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। मेक श्योर इस वीडियो को देख करके अपने डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस को अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करने के बाद और उसके डैशबोर्ड को लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको जाना है ब्लॉग, विजिट साइट। आप डायरेक्टली भी अपने डोमेन नेम को न्यू टैब के अंदर ओपन कर सकते हो। तो ये हमारे वेबसाइट का लुक है जो कि करंटली कुछ ऐसा दिख रहा है। इस वेबसाइट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने वाले हैं और इसमें पहला स्टेप है हमारा इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड प्लगइन्स। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्लगइन्स, एड न्यू प्लगइन, और यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा। स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करें, एस्ट्रा विजिट को भी सर्च करें और इसको भी इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है WP Forms Lite, सिंपली इसको इंस्टॉल करें। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंटर, एलिमेंटर को भी इंस्टॉल करें। सारे प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर, यहाँ से ऑल के ऊपर टिक लगाए, बल्क एक्शन में जाकर के एक्टिवेट अप्लाई। तो इसी के साथ प्लगइन्स इंस्टॉल करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे थीम इंस्टॉलेशन। थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस, थीम्स, एड न्यू थीम, और यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा। सिंपली एस्ट्रा को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल होने के बाद इसे एक्टिवेट करें। हमें एस्ट्रा के ऊपर काम करना है। इसके अलावा जो तीन थीम आपको यहाँ पे दिखते हैं, बारी बारी हर एक के ऊपर क्लिक करें और इन थीम्स को यहाँ से डिलीट करें। मेक श्योर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रा एक्टिव हो। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलता है स्टार्टर टेम्पलेट, ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है। दोनों में से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करके बिल्ड योर वेबसाइट नाउ के ऊपर क्लिक करें, एलिमेंटर पेज बिल्डर को सेलेक्ट करें और ऊपर स्क्रॉल करके आपको सर्च करना है पब्लिक स्पीकर। यहाँ पे आकर के इसके ऊपर क्लिक करें, स्किप एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें, कॉन्टिन्यू पे क्लिक करें। डेटा शेयर नहीं करना चाहूँगा मैं। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें और इस प्रोसेस के पूरा होने का वेट करें। तो थीम हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ से अपने डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाना है जो कि है हमारा डोमेन नेम /wp-admin। अब अगर आप अपने वेबसाइट को चेक करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कम्प्लीट लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है और जैसा हमने डेमो में चेक किया उससे मिलता जुलता इंटरफेस यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ थीम इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने वेबसाइट की बेसिक सेटिंग्स और पेज सेटिंग करने वाले हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आपका टाइम जोन क्या होगा, यहाँ से अपना करेक्ट टाइम जोन सेलेक्ट करें डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्री, डेट कौन से फॉर्मेट का आपको चाहिए है वो टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद हमें यहाँ पे पेज की सेटिंग को करना होता है। इसके लिए आपको जाना है परमा लिंक्स, मेक श्योर यहाँ से पोस्ट नेम को टिक लगाएं और नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। तो इसी के साथ बेसिक सेटिंग्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से हम साइट का टाइटल और लोगो चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ अगर आप वेबसाइट का टाइटल देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉग जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। इसे चेंज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ से आपको अपना टाइटल प्रोवाइड करना है। तो मैंने इसको प्रोवाइड किया पब्लिक स्पीकर। टैगलाइन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो करें, वरना आप इसको इरेज कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें, अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे
टाइटल हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे अपना नाम प्लेस करोगे या इस लोगो को चेंज करोगे। इस चीज के लिए आपको ओपन करना है कस्टमाइजर। कस्टमाइजर ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको आना है और इस एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये रहा हमारा लोगो। व्हाइट कलर है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, बट वो यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है। यहाँ से आपको चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करें और जो भी आपका लोगो है उसे ड्रैग करें, यहाँ पे ला करके ड्रॉप करें। प्रीव्यू आने के बाद चूज इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोगो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप इसके हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्लाइडर के थ्रू इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लोगो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसी के साथ लोगो लगाने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने मेन्यू बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। मेन्यू बार को एडिट करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस, मेन्यू, मेक श्योर यहाँ पे आप प्राइमरी को टिक लगा करके रखें और सेलेक्ट पे क्लिक करें तो जो भी आपका मेन्यू बार है ना वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ भी देख पा रहे हो। अगर आपको इसका ऑर्डर चेंज करना हो, अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज करना हो, वो भी बहुत ही ईजिली यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्लॉक को थर्ड नंबर पे लगाना है तो वो कैसे होगा, इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे, थर्ड नंबर पे ला करके ड्रॉप करेंगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कुछ और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप कर सकते हो, बहुत ही ईजिली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सारा काम पूरा होने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें, वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ब्लॉग यहाँ आ चुका है और बुक्स हमारा सेकेंड लास्ट में जा चुका है। तो इस तरीके से मेन्यू बार को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारे पास सोशल मीडिया के आइकन्स भी हैं, तो इसे कैसे एडिट करेंगे, इसके लिए भी आपको यहाँ पे कस्टमाइजर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जाना है और इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको फेसबुक का प्रोवाइड करना है यहाँ पे लिंक, तो यहाँ फेसबुक के ऊपर क्लिक करें, यूआरएल में अपने फेसबुक प्रोफाइल का या पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट करें। सिमिलरली अगर ट्विटर का करना है तो यहाँ पे आकर के उसका लिंक पूरा पेस्ट करें। सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी के साथ मेन्यू बार यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे, उसके डिज़ाइंस को एडिट करेंगे, फॉन्ट्स को एडिट करेंगे और इमेजेस को एडिट करेंगे। एडिटिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको जाना है एडिट विद एलिमेंटर। न्यू टैब के अंदर इसको ओपन करें। एलिमेंटर ओपन होने के बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ये बैकग्राउंड में लगा हुआ इमेज यहाँ पे चेंज करना है। आपको यहाँ पे जाना है सिक्स डॉट्स के ऊपर, स्टाइल के ऊपर क्लिक करें, चूज इमेज पे जा करके आपको इस इमेज को यहाँ से एडिट कर लेना है। अपलोड फाइल पे जा करके जो भी इमेज आपको लगाना है उसे ड्रैग करें, यहाँ आकर के ड्रॉप करें, इंसर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस जगह पे अगर आपको कुछ और टाइप करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया स्टार्ट योर जर्नी विद डोमेन रेसर। बटन के टेक्स्ट को भी मैं एडिट करना चाहूँगा तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको बुक, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने प्रोवाइड किया डोमेन रेसर। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इस बटन पर क्लिक होने पर यूज़र कहाँ पर जाएगा, मैं चाहता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट का पेज खुल जाए जहाँ पर वो अपने डिटेल्स को पास करे और बुकिंग को कर सके, तो इसके लिंक को कॉपी करें, हैश की जगह पे आकर के आपको इसको पेस्ट कर देना है और अपडेट के ऊपर क्लिक करें। वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुका है, कंटेंट चेंज हो चुका है। और अगर मैं इस बटन को यहाँ पे ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने एलिमेंटर के अंदर इसको कस्टमाइज किया। सिमिलरली अगर आपको कुछ और एडिट करना हो, जैसे कि आपको ये वाला फोटो चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, चूज इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जिस तरीके से हमने बैकग्राउंड इमेज को अपलोड किया था वैसे ही आप यहाँ पे इमेज अपलोड करके इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आकर के मैं इसको डोमेन रेसर कर रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट में कहीं कोई चेंज करना है तो आप वो भी बहुत ही ईजिली कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो भी इमेज चेंज करना है उस पर क्लिक करें, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। एंड जिस भी कंटेंट को आपको चेंज करना हो, किसी भी बटन का टेक्स्ट चेंज करना हो, उसके लिंक को चेंज करना हो, बहुत ही ईजिली यहाँ पे सारी चीज़ें परफॉर्म की जा सकती है। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेते हो
तो इसके बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। सिमिलरली अगर आपको अबाउट अस के पेज में कुछ यहाँ पे एडिटिंग करना है तो पहले अबाउट अस के पेज को ओपन करें। ओपन होने के बाद एलिमेंटर पेज बिल्डर को ओपन करें और यहाँ पे इसको अबाउट अस करना है, अबाउट मी करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली एडिट कर सकते हो। सेम काम, फोटोज़ को चेंज करने का प्रोसेस हर बार एक ही है। आप बहुत ही ईजिली किसी भी पेज को एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें कॉन्टेक्टर्स के डिटेल को चेंज करना है तो कॉन्टेक्टर्स के पेज को पहले ओपन करें, देन आपको इस पेज को भी एलिमेंटर के अंदर लोड कर लेना है। यहाँ पे आप इसको कॉन्टेक्ट अस या मी कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मैं आपको कुछ एडिटिंग यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। कंट्री कर दिया मैंने यहाँ पे इंडिया एंड एक डमी फ़ोन नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैंने इसको कहा +91 और कोई भी एक डमी फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से आप ईमेल एड्रेस को भी चेंज कर सकते हो और जो भी आपको एडिट करना है आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। सारा काम कंप्लीट होने के बाद अपडेट करें और अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंट्री भी चेंज हो गया, फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया और इसी तरीके से हम सारे डिटेल्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको बारी बारी हर एक पेज के ऊपर एडिटिंग करना है और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंजेस को परफॉर्म करना है। तो आपने देखा वर्डप्रेस को यूज़ करके पब्लिक स्पीकिंग की वेबसाइट को क्रिएट करना कितना ज़्यादा आसान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।